मेरी परिस्थिति खराब है, मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अरे अगर तुम्हारी परिस्थिति खराब है फिर तो तुम्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह रुक जाने से आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी बल्कि दिन प्रतिदिन और खराब होती चली जाएगी। खराब परिस्थितियों को देखकर बेचारा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए मेहनत भी खुद ही करनी पड़ती है। दूसरा कोई आपकी मदद करने के लिए कभी नहीं आएगा। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। किसी ने क्या खूब कहा है, जितने आप अपने कामों को करने के लिए कठोर रहेंगे उतना ही आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी, और जितना अधिक आप अपने काम को टालते जाएंगे उतनी ही आपकी जिंदगी आपके लिए कठोर होती चली जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में वह आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, जिंदगी में आपको वो मिलेगा जो आपको हर हाल में चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया का कड़वा सच है कि जितनी तेजी से तुम सफलता को पाने के लिए भागोगे उतनी तेजी से लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए भागेंगे। जिस चीज को बदलना आपके बस में नहीं उसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन सपनों को पूरा करने की आप में हिम्मत है उस काम में खुद को झोंक दीजिए, और यही जीवन का सार है। कठिन सवालों से और कठिन काम से कभी हार ना माने, यकीनन आपको अपनी फील्ड में टॉपर बनने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत कुछ बदलता है रोज, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने के लिए बदलता हूँ तरीके रोज, मगर आगे बढ़ने के लिए मेरे इरादे नहीं बदलते। दोस्तों, हालात ऐसे ना रखो जो आपके सपने बदल दें, बल्कि सपने ऐसे रखो जो आपके हालात बदल दें। जिंदगी में कभी हौसला टूटने लगे तो अपने आप को याद दिलाना कि अब तक जिंदगी मेरे साथ खेल रही थी, लेकिन अब जिंदगी के साथ खेलने की मेरी बारी है। जिंदगी में कभी खराब परिस्थितियां आए तो निराश मत होना। ये बात याद रखना कि हर खराब परिस्थिति आपको एक नए रास्ते पर लाकर छोड़ देती है, और उस रास्ते को पार करने के बाद अंत में एक खूबसूरत जीवन और सफलता हासिल होती है। केवल 22 साल की उम्र में IPS ऑफिसर बनने वाले सफीन हुसैन कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप चारों ओर से घिर गए हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उस वक्त याद रखना कि यही वो पल है जहाँ से आपकी तकदीर बदलने वाली है। अभी अगर परिस्थिति आपके खिलाफ है तो याद रखना कि आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और इसी प्रयास का एक हिस्सा है 10 ऑडियो का एक स्पेशल मोटिवेशनल प्रोग्राम, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सुन सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।